अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सैयदा एंड आई एम फ्रॉम स्टैप अप चैनल। आज का मेरा टॉपिक जो है वो मैंने आप लोगों के लिए जो चूज किया है वो है रीयूज कंटेंट इशू। रीयूज कंटेंट इशू बेसिकली है क्या, क्यों आप लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं होता, क्या ऐसा रीजन आता है कि जिनकी बेसिस पे ना उसमें कोई क्लेम आया, ना आपने कोई इस तरह की ऑडियो यूज की कि जिस पर क्लेम आता हो या जिसके ऊपर कॉपीराइट आता हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन से रुक गया और उन्होंने आपको भेज दी ईमेल, ठीक है। और ईमेल में लिखा हुआ है जी कि आपका जो ये वाला टॉपिक था, ये जो चैनल था इसमें रीयूज्ड कंटेंट इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या रीजन है, ये क्या चीज है। तो मैं आज आप लोगों को यही आज बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं कि आपका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ, क्यों रीयूज्ड कंटेंट आया, कहाँ से आया, क्या इसका रीजन था, किस तरह की ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है लिखा हुआ और चैनल मोनेटाइजेशन से रुक जाता है। बेसिकली गौर से सुनिएगा वीडियो को, गौर से सीखिएगा ताकि आप लोग जो न्यू है, जो कि बिगनर्स है, जिनको अभी पता नहीं होता कि हमने क्या करना है, जो कि विदाउट कॉपीराइट, अच्छा ऐसा कंटेंट के जिसपे कॉपीराइट ना हो उसके ऊपर भी ये जो है वो आ जाता है और उनकी ही ज्यादातर चीजों की वजह से हमारा जो चैनल है वो उससे जो है वो रुक जाता है और रीयूज कंटेंट में आ जाता है। अब बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी एक वीडियो बनाई और उस वीडियो को बनाने के बाद मैंने उसके बैकग्राउंड पर लगाया एक म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक भी कॉपीराइट नहीं था, वीडियो भी मैंने ऐसी ली कि जिसके ऊपर कॉपीराइट नहीं था, मैंने कहीं से भी वो जो है वो उठा ली, या मैंने कुछ इमेजेस उठाई और उन इमेजेस को मैंने वीडियो में चेंज किया या फिर उनको मैंने वैसे ही वो, लेकिन उनके ऊपर जो है वो कॉपीराइट नहीं था, ठीक है, और मैंने उसके बाद उसको कर दिया अपने चैनल पर अपलोड और मैं तो जी फ्री हो गई कि मेरे पास मोनेटाइजेशन भी हो जाएगी, इसलिए कि मैंने तो ऐसी कॉपीराइट वाली कोई चीज इस्तेमाल ही नहीं की, मैं तो बहुत इजी हूं। उसके बाद होता ये है कि बहुत सारे लोग पहले से वो चीजें वहां से गूगल से उठाई, आपने कहीं से भी उठाई, वहां से उठाकर ऑलरेडी वो कंटेंट इस्तेमाल कर चुके थे और आपने भी वो इस्तेमाल कर लिया और वो आ गया रीयूज्ड में, ठीक है। तो आपने करना ये है बेसिकली रीयूज्ड मटेरियल, कैसे पता चलेगा कि ये रीयूज्ड है, जो भी मटेरियल जो कि आपको मिला क्या वो और लोगों को नजर नहीं आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। जो चीज आपने उठाई, जो चीज विदाउट कॉपीराइट आपने जो पिक्चर उठाई, विदाउट कॉपीराइट आपने जो वीडियोज उठाई, क्या वो दूसरे लोगों को नजर नहीं आई होंगी, डेफिनेटली उन्होंने भी यूज की होंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज कोई और यूज नहीं कर रहा, उसका बेहतरीन सोल्यूशन होता ये है कि आप ये करें कि आप अपना वॉइस ओवर करें, अपनी वीडियो बनाएं। अगर आपने आप सीरियस हैं अपना चैनल बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, किसी की बातों में ना आए और अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए सबसे पहले अपनी वीडियोस बनाएं। आप नहीं अगर बना सकते, आप कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो किसी और से ये कह दें, कोई और रख लें अपने साथ जो कि वीडियोस बनाए और अपना ही वॉइस ओवर करे, ठीक है। वॉइस ओवर भी आपने अपना ही करवाना है, मतलब जिसकी वीडियो है वॉइस भी उसी की हो तो भी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज। अच्छा अब ये होता है कि कुछ लोग ऐसे जो कि जिनका चैनल बहुत पुराना हो गया होता है, जो कि उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुके होते हैं, जिनका अपना विजुअल कंटेंट बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, जिन्होंने अपनी वीडियोज या किसी और की वीडियोज बनवा के और उन्हीं का वॉइस ओवर करके अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लिया होता है या करवा रहे होते हैं, तो वो अगर उनके पास ऐसा कंटेंट ऑलरेडी है और वो अगर बाद में कोई विदाउट कॉपीराइट ऐसी कोई चीज रख लेते हैं, तो ये गौर से ये बात सुन लें कि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि उनके पास वो वाला कंटेंट जिसके ऊपर रीयूज्ड मटेरियल यूज हो सक, जो कि पहले यूज हुआ हुआ था उन्होंने वो रखा, तो वो बहुत ही रेयर है, ठीक है। अगर वो बहुत ही रेयर है और उनके पास अपना विजुअल कंटेंट ज्यादा है तो उनका चैनल मोनेटाइज भी होगा और उसके ऊपर रीयूज्ड इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जहन में बिठा लें बिगनर्स के आपने मेहनत ही करके अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना है
और अगर आपने ऐसे ही अपना चैनल मतलब ऐसे ही सिर्फ बनाया है कि आपके पास चार चैनल ऑलरेडी काम कर रहे हैं और पांचवा चैनल आपने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए बनाया है, वो एक अलग बात है। अच्छा, मैंने ये भी लोगों को कहते हुए सुना है कि ये ज्यादातर काम गर्ल्स कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन मैंने गर्ल्स को ये काम, खैर गर्ल्स हो बॉयज हो, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही ऐसा काम करती हैं, गर्ल्स बिल्कुल सिर्फ ऐसा काम नहीं करती, बॉयज भी कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि ऐसा कंटेंट को उठाकर वहां पर पेस्ट कर रहे होते हैं और पीछे से वो बैकग्राउंड म्यूजिक चला देते हैं जो कि ऑलरेडी लोगों के यूज में होता है और उनके पास इस चैनल के ऊपर वो रीयूज का इशू आ जाता है। ऐसे में ऐसे लोग मैंने बॉयज भी देखे और गर्ल्स दोनों में देखा है, तो डिफ्रेंशिएट काइंडली प्लीज ना किया करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप लोगों ने ऐसा, मैंने फिर आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा कंटेंट यूज करें जो कि आपका अपना हो, जो कि आपने खुद लिया हो, आपने अपने फोन से लिया हो, आपका वॉइस ओवर हो, तो वो विजुअल कंटेंट ज्यादा आपका चैनल मोनेटाइज करवाएगा, ठीक है। अब अगर कुछ लोगों का इश्यू ये भी आता है कि जी हमारे तो हमने वो वाला लगाया था और उसके ऊपर कॉपीराइट नहीं था और उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमारे व्यूज आए थे और वो उसी वाली वीडियो की वजह से हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया, वॉच टाइम भी आ गया, ये भी हो गया, उसका रीजन ये है कि आपने जब किया तो प्लीज ऐसी बातें दूसरों को ना बताया करें, क्योंकि दूसरे फिर उसके साथ होके वायोलेशन की तरफ चला जाता है मामला, YouTube वायोलेशन, आपने इस चीज से बचना है। कुछ लोग इस तरह के भी हैं कि जो कि ये कंटेंट यूज करके भी मोनेटाइज भी करवा रहे हैं और अपने चैनल को चला भी रहे हैं और उनका वॉच टाइम भी उसी से ही कंप्लीट हुआ है, तो उसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि बहुत ही रेयर होता है मटेरियल, वो ज्यादातर मटेरियल उनका जो है वो अल्लाह जो है वो अपना होता है, वो अपना विजुअल कंटेंट ऐड करते हैं ज्यादातर, वो अपनी वॉइस ओवर ऐड करते हैं ज्यादातर और फिर ये काम करते हैं, ठीक है। बस आपने जो बिगनर्स हैं बेसिकली हम लोगों को, आप लोगों को थोड़ा सा अपना जो है वो ना ख्याल करना होगा कि आप लोगों ने उसके ऊपर काम करना है, ध्यान रखना है इन सारी चीजों का, YouTube की रूल्स को लाजमी फॉलो करना है, वायलेशन की तरफ नहीं जाना, तभी आप अपना चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली जो है वो वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।